अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आज हम आपको ताजमहल के बगल में जो मस्जिद है उसके बारे में बताने वाले हैं। मेरे दोस्त हैं जो हमें गाइड है, यही बताएंगे। हमको तो इतना नॉलेज नहीं, मैं घूमने के लिए आया हूँ। ये है वो मस्जिद। ये जो मस्जिद जो देख रहे हैं ये है शाही मस्जिद। इसके अंदर जो 20,000 जो मजदूर इसके अंदर काम करा करते थे, ये सारे लोग जो थे ना वो ईरान से आए थे, पर्शिया से। उन्होंने अपने नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। तब ये ताजमहल बना नहीं था, बनना शुरू हुआ था, तो वो नमाज पढ़ने के लिए जो थे ना वो बाहर जाया करते थे। तो बाहर से पैदल जाना पैदल आना टाइम वेस्ट हुआ करता था। इस चक्कर में पहले अंदर मस्जिद तामील करवाई, नमाज पढ़ा करते थे, फिर उसके बाद में ये ताजमहल बनाने का काम शुरू करा करते थे। और बिल्कुल सेम ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ पर बनी, बिल्कुल सेम है। बट इसमें नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसका कारण क्या है, वो काबे की वजह से। इसका जो मस्जिद का जो फेस है ना वो वेस्ट साइड में है, और वेस्ट साइड में ही फेस करके नमाज पढ़े करते हैं। और इसका जो फेस जो है ना वो आउट डायरेक्शन में है, वो है ईस्ट साइड में। फिर इसको बाद में कर दिया मेहमान खाना, ओनली गेस्ट हाउस। बट इसमें रहता कोई नहीं था, इनका जो रहने का रेजिडेंसी जो प्लेस था ना वो है आगरा फोर्ट। वो सभी लोग आगरा फोर्ट में ही रहा करते थे।